आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम उस इंसान के बारे में बताते हैं जिसने ये कहानी बनाई, जिसने कभी स्कूल की शिक्षा पूरी नहीं की, लेकिन उसके पास व्यापार की बहुत गहरी समझ थी, जिस कारण आज हर कोई उस इंसान को जानता है। नाम है राधा किशन दमानी। जी हाँ, जिसकी वजह से सब आसानी से डीमार्ट में खरीदारी कर सकते हैं। आज के समय में कोई ऐसा नहीं है जो डीमार्ट ना गया हो, लेकिन आज आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। डीमार्ट की कहानी संघर्ष और व्यापारी सूझबूझ की अद्भुत मिसाल है। डीमार्ट के संस्थापक राधा किशन दमानी का सफर उस दौर से शुरू होता है जब उन्होंने स्टॉक मार्केट में निवेश की दुनिया में कदम रखा। लेकिन एक सफल निवेशक से लेकर एक रिटेल साम्राज्य के मालिक बनने तक की कहानी साधारण नहीं थी। उन्होंने जिस तरह से बाजार को समझा और डीमार्ट के रूप में एक सफल रिटेल ब्रांड की नींव रखी, यह इतना भी आसान नहीं था। राधा किशन दमानी का जीवन काफी साधारण था। उन्होंने कभी स्कूल की शिक्षा पूरी नहीं की, लेकिन उनके पास व्यापार की गहरी समझ थी। पहले उन्होंने स्टॉक मार्केट में निवेश शुरू किया जिसमें उन्हें अच्छी सफलता मिली, परंतु 2002 में उन्होंने एक नई राह चुनी और मुंबई के पवई इलाके में अपना पहला डी मार्ट स्टोर खोला। यह स्टोर केवल कुछ हजार वर्ग फुट का था, परंतु इसने खुदरा बाजार में एक नई पहचान बना ली। डीमार्ट के सफल होने का सबसे बड़ा कारण है उसकी सोच और ग्राहकों को समझने की क्षमता। दमानी ने ग्राहकों की जरूरतों और भारत में मौजूद मिडिल क्लास की समझ को प्राथमिकता दी। भारत में मिडिल क्लास की सबसे बड़ी जरूरत होती है कि उन्हें कम दाम में अच्छे प्रोडक्ट्स मिले। इसी समझ के साथ ही डीमार्ट ने एक विशिष्ट रणनीति बनाई, कम कीमत ज्यादा मात्रा। डीमार्ट का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि ग्राहकों को हर रोज इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं कम से कम दामों पर मिले। इसके लिए वे थोक में खरीदारी करते हैं और लागत को बचाते हैं, फिर ग्राहकों तक ये सामान सस्ती कीमतों पर पहुंचाते हैं। डीमार्ट के ज्यादातर स्टोर्स का मालिकाना हक कंपनी के पास ही है। वे किराए पर कम जगह लेते हैं और लंबे समय के लिए लीज करते हैं। इससे लागत भी कम होती है और कंपनी की संपत्ति भी बढ़ती है। डीमार्ट ने अपने स्टोर्स में केवल रोजमर्रा की जरूरतें की वस्तुएं रखी, जैसे कि खाद्य सामग्री, घर के सामान, कपड़े और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स। इस स्ट्रेटजी ने डीमार्ट को बाजार में एक सरल और कुशल स्टोर बना दिया। डीमार्ट का मुकाबला भारत में बिग बाजार, रिलायंस स्मार्ट और मोर सुपरमार्केट और स्टार बाजार जैसे बड़े खिलाड़ियों से था। लेकिन जहां अन्य रिटेलर्स महंगे मॉल्स में स्टोर्स खोलते रहे, वहीं डीमार्ट ने छोटे छोटे स्टोर्स खोले और शहरों में ज्यादा विस्तार किया। इसकी वजह से डीमार्ट की पहुंच ज्यादा ग्राहकों तक रही। इसके ब्रांड इमेज एक किफायती स्टोर की बनी। डीमार्ट का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धा बिग बाजार रहा, जिसने बड़े मॉल्स और आधुनिक रिटेलिंग का प्रारूप बनाया। हालांकि बिग बाजार का संचालन खर्च ही डीमार्ट से कहीं अधिक था, जिससे डीमार्ट की प्राइसिंग पॉलिसी अधिक किफायती रही। रिलायंस ने अपनी मजबूत वित्तीय स्थिति का इस्तेमाल कर खुदरा बाजार में उतरने का प्रयास किया, लेकिन डीमार्ट की लो कॉस्ट और हाई टर्नओवर स्ट्रेटजी ने इसे आगे रखा। डीमार्ट की ग्रोथ में इसके स्टोर्स का स्ट्रेटजिक लोकेशन और फोकस्ड कैटेगरी मॉडल बहुत महत्वपूर्ण था। डीमार्ट का हर नया स्टोर खुलने के साथ ही मुनाफे में आ जाता। 2002 में पहला स्टोर खोलने के बाद डीमार्ट ने अपने स्टोर्स की संख्या बढ़ाने में काफी सावधानी बरती। 2017 में कंपनी ने अपना IPO लॉन्च किया और देखते ही देखते यह स्टॉक मार्केट का सुपरस्टार बन गया। निवेशकों को इस IPO में काफी दिलचस्पी रही और इसकी लिस्टिंग भी शानदार हुई। इसके बाद कंपनी के स्टोर्स की संख्या लगातार बढ़ती रही और आज डीमार्ट के स्टोर भारत के कई राज्यों में है। डीमार्ट की सफलता की सबसे बड़ी वजह है उसकी कस्टमर फर्स्ट अप्रोच। दमानी ने हमेशा एक ही सिद्धांत पर जोर दिया है कि ग्राहकों को उनके पैसे का सही मोल मिलेगा तो वे बार बार आपके पास आएंगे। इसी सोच ने डीमार्ट को एक भरोसेमंद ब्रांड बना दिया और आज भारत में डीमार्ट के 12 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में 377 स्टोर है। डीमार्ट में जो लेबर है उनका वेतन 15,000 के लगभग है या उनके अनुभव पे भी डिपेंड करता है। डीमार्ट की यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का रास्ता केवल बड़ा सोचने में नहीं है, बल्कि सही सोचने में है।
फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनता दरबार न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।